खबर हमीरपुर से है, जहां पर सड़क को निर्माण कराए जाने को लेकर बुंदेलखंड निर्माण सेना भारत ने सड़क पर पदयात्रा का प्रदर्शन किया और मौके पर पहुंची एसडीएम मधुभा ने सड़क निर्माण कराए जाने का आश्वासन दिया। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के मुदहा तहसील अंतर्गत माचा कमहरिया मार्ग का है, जहां पर सड़क निर्माण कराए जाने को बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय तिवारी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ 2 किलोमीटर पदयात्रा करके धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा और उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना सदैव जर्जर सड़कों को बनवाने के लिए आवाज़ उठाती जाए और आगे भी जब तक बुंदेलखंड की सड़कें दुरुस्त नहीं होंगी ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। मैं विनय तिवारी, अध्यक्ष बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना, मैं आज यहां पर समस्त क्षेत्र के लोगों के साथ और बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना के साथ हम लोगों ने आज 2 किलोमीटर की पदयात्रा की है। हम लोग देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में सड़कें पूरी तरह से जर्जर स्थिति पर बनी हुई हैं। आज हम लोगों ने माचा से लेकर के कमहरिया तक 2 दिवसीय पदयात्रा की है और इस यात्रा के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सरकार कम से कम समझे कि स्थिति क्या है आज बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की सड़कें, बुंदेलखंड में निरंतर डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, स्थितियां बड़ी गंभीर है, लेकिन सरकार पूरी तरह से मूक दर्शन करके बैठी हुई है। और जहां पर योगी सरकार बार बार कहती है कि हम लोग गड्ढा मुक्त अभियान पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, लेकिन ये जनपद हमीरपुर का ऐसा क्षेत्र है जहाँ कभी भी गड्ढा मुक्त अभियान नहीं हुआ है।